मारुति ने अभी हाल ही में फ्रॉन्क्स को लॉन्च किया है जो कि बलेनो के ऊपर बेस्ड है और पहले ही महीने इसको बम्पर ओपनिंग मिली है। लगभग 9,500 यूनिट्स इसकी हाथों हाथ बिक गई हैं। फ्रॉन्क्स किस तरह से अपनी कजन ब्रेजा को कंपटीशन देती है, इस टॉपिक पर तो मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं फ्रॉन्क्स को टाटा पंच से कंपेयर करने वाला हूं। अब यहां से कई सारे लोग बोलेंगे कि ये दोनों गाड़ियां तो एक सेगमेंट की है ही नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। असल में एक कस्टमर के लिहाज से देखेंगे तो इन दोनों गाड़ियों को कंसिडर करके चलता है और साथ ही में कई सारे सब्सक्राइबर्स की भी डिमांड थी कि इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो आप अपनी स्क्रीन पर दोनों की ही डिटेल्स देख सकते हो। फ्रॉन्क्स की लेंथ है 3995 mm, जो कि 168 mm ज्यादा है पंच की लेंथ से। इसी तरह से इसकी विड्थ है 1765 mm, जो कि 23 mm ज्यादा है। हाइट है 1550 mm, जो कि 65 mm कम है। पंच फ्रॉन्क्स से ज़्यादा ऊंची है। रही बात व्हील बेस की, तो इसका 2520 mm है, जो कि 75 mm ज़्यादा है पंच से। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉन्क्स पंच से ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा चौड़ी है और इसका व्हील बेस भी ज़्यादा है। लेकिन अगर कैबिन स्पेस की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियाँ स्पेशियस हैं। हालांकि अगर रियर सीट में मिलने वाले हेडरूम की बात करें तो इस मामले में पंच फ्रॉन्क्स से बेहतर है। इसलिए कैबिन स्पेस के मामले में दोनों ही गाड़ियों में कोई खास अंतर नहीं है। अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। तो फ्रॉन्क्स में 308 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि 58 लीटर छोटी है पंच में मिलने वाली 366 लीटर की बूट स्पेस से। बाहर से देखने में पंच भले ही एक छोटी गाड़ी नजर आती हो, लेकिन अगर आप अंदर बैठकर देखते हैं तो काफी स्पेशियस है। टर्निंग रेडियस के बारे में बात करते हैं, मतलब कि कितनी कम जगह में गाड़ी को मोड़ा जा सकता है। जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो दोनों ही गाड़ियों का लगभग बराबर है 4.9 मीटर का। टायर्स की बात करते हैं तो फ्रॉन्क्स में आपको 16 इंच के टायर्स मिलते हैं, जबकि पंच में 16 के साथ साथ 15 इंच के टायर्स भी दिए गए हैं लोअर वेरिएंट्स में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो फ्रॉन्क्स में 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि 3 mm ज़्यादा है पंच में मिलने वाली 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों की बराबर है 37 लीटर की। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रॉन्क्स में दो तरह के इंजन मिलते हैं। पहला है 1.2 लीटर के सीरीज डुअल जेट 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो लगभग 88.5 bhp की पावर जनरेट करता है और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT ऑटोमेटिक मिल जाता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं पंच में मिलने वाले 1.2 लीटर रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, तो ये 1.87 bhp ज़्यादा पावर जनरेट करता है, 2 Nm का कम टॉर्क जनरेट करता है। और रही बात माइलेज की, तो मैनुअल ट्रांसमिशन में 1.69 kmpl, जबकि ऑटोमेटिक में 4.09 kmpl ज़्यादा क्लेम करता है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉन्क्स का पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर है, ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस देगा, ज़्यादा पावरफुल है और माइलेज भी ज़्यादा क्लेम करता है। फ्रॉन्क्स में एक और पेट्रोल इंजन दिया गया है, 1 लीटर 3 सिलेंडर बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन, जो लगभग 98.69 bhp की पावर और 147.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दिया हुआ है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं पंच में मिलने वाले पेट्रोल इंजन से, तो ये लगभग 12.06 bhp की ज़्यादा पावर जनरेट करता है, 32.6 Nm का ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में 1.4 kmpl, जबकि ऑटोमेटिक में 1.21 kmpl का ज़्यादा माइलेज भी क्लेम करता है। तो यहाँ पर भी लगभग वही कहानी है कि दोनों ही इंजन 3 सिलेंडर हैं, लेकिन फ्रॉन्क्स का ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा टॉर्की है और माइलेज भी ज़्यादा क्लेम कर रहा है। असल में इसके बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन में आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसकी वजह से ये बेहतर माइलेज क्लेम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में। तो टाटा पंच का क्रैश टेस्ट तो अभी तक हो चुका है, जिसमें उसने 5 out of 5 stars की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर की थी। लेकिन फ्रॉन्क्स अभी लॉन्च हुई है, इसका क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि हम कर्व वेट की बात करें, मतलब कि गाड़ियों के वजन की बात करें, तो फ्रॉन्क्स लगभग 965 से 1060 किलोग्राम की है, जबकि पंच 1035 से 1070 किलोग्राम के आसपास है। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रॉन्क्स में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, 3-point सीट बेल्ट सभी सीट पर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर इन फ्रंट सीट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में कम से कम। इन सभी स्टैंडर्ड फीचर्स के अलावा अगर आप फ्रॉन्क्स के टॉप 2 वेरिएंट्स में से कोई भी खरीदते हो तो आपको 6 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। अगर हम बात करें पंच में मिलने वाली स्टैंडर्ड सेफ्टी की, तो इसमें आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD,
आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट प्री टेंशनर विद लोड लिमिटर इन फ्रंट सीट्स, ब्रेक स्वैग कंट्रोल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको ट्रैक्शन प्रो जैसा सेफ्टी फीचर भी मिल जाता है। पंच में सिर्फ इतने ही सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, इसलिए अगर हम सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो फ्रॉन्क्स पंच से बेहतर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्रॉन्क्स हार्ट अटैक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी भी गाड़ियां हैं उन्होंने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 1 या 2 स्टार स्कोर किया हुआ है इन्हीं सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ में। तो इसलिए एग्जैक्टली कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो फ्रॉन्क्स डुअल एयरबैग्स के साथ में 2 या 3 स्टार स्कोर कर पाएगी। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको पंच में मिल जाते हैं लेकिन फ्रॉन्क्स में नहीं मिल पाते। पंच के जो डोर्स हैं वो 90 डिग्री तक ओपन हो जाते हैं, तो ये कोई वैसा गिनाने वाला फीचर नहीं है, लेकिन हाँ ये कन्वीनियंट काफी होता है गाड़ी के अंदर बैठने के लिए और बाहर निकलने के लिए, खासकर बुजुर्गों के लिए। पंच में आपको आगे फॉग लैंप्स दिए गए हैं कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में, जबकि फ्रॉन्क्स में ऐसा कुछ आपको नहीं मिलता। इसके अलावा रेन सेंसिंग वाइपर्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, पडल लैंप्स, रियर आर्मरेस्ट, हालांकि उसमें बोतल होल्डर या कप होल्डर जैसा कोई फीचर नहीं है। साथ ही में पंच में आपको इको और सिटी ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, जबकि फ्रॉन्क्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो ले देके बस यही कुछ फीचर्स थे जो आपको पंच में ज़्यादा मिल जाते हैं फ्रॉन्क्स के मुकाबले। अब आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो फ्रॉन्क्स में दिए गए हैं लेकिन पंच में नहीं है। हेडअप डिस्प्ले, 360 डिग्री व्यू पार्किंग कैमरा, ऑटो डिम IRVM, पंच में आपको मैनुअल मिलता है। फ्रॉन्क्स के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 9 इंच की बड़ी टच स्क्रीन मिल जाती है, जबकि पंच में आपको मैक्सिमम 7 इंच की ही मिल पाती है। इसके अलावा फ्रॉन्क्स में आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले में वायरलेस फीचर मिल जाता है, जबकि पंच में ये दोनों फीचर तो हैं लेकिन वो वायर्ड हैं। इसके अलावा वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, आगे भी आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जो स्लाइडिंग है और उसमें स्टोरेज भी दिया हुआ है। पीछे वाली सीट को आप जरूरत अनुसार 60:40 में स्प्लिट कर सकते हो, जबकि पंच में ऐसा कोई स्प्लिट वाला फीचर नहीं दिया गया है। आप पूरी की पूरी सीट को फोल्ड कर सकते हो, ना 50:50 है और ना ही 60:40 है। इसी तरह से फ्रॉन्क्स के पीछे वाली रो में आपको AC वेंट्स भी दिए गए हैं और साथ ही में फास्ट USB सॉकेट्स मिल जाते हैं Type-A और Type-C, जबकि पंच में सिर्फ 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, वो भी सेंट्रल कंसोल पे, ना कि पीछे की तरफ। आप पीछे की तरफ ले सकते हो उसको, वो बात अलग है। फ्रॉन्क्स में आपको LED मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जबकि पंच में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। LED हेडलैम्प्स देखने में काफ़ी प्रीमियम लगते हैं, बाकी रोशनी की बात करें तो दोनों की लगभग बराबरी लगती है। फ्रॉन्क्स की जो पीछे की लाइट्स हैं वो LED हैं और दोनों की दोनों कंबाइंड हैं, जॉइंट हैं, देखने में काफ़ी प्रीमियम लुक आता है, लेकिन ऐसा कुछ आपको पंच में नहीं मिल पाता, हालांकि पंच में भी LED टेल लैंप्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा फ्रॉन्क्स में आपको फुटवेल इल्यूमिनेशन मिल जाता है, जबकि पंच में किसी भी तरह की कोई एम्बियंट लाइटिंग या फुटवेल इल्यूमिनेशन नहीं दिया गया है। फ्रॉन्क्स की स्टीयरिंग में आपको टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक फीचर भी दिया गया है, मतलब कि इसकी स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे करने के साथ साथ आगे पीछे भी कर सकते हो जरूरत अनुसार, लेकिन पंच में स्टीयरिंग को आप सिर्फ ऊपर नीचे ही कर सकते हैं, सिर्फ टिल्ट फीचर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉन्क्स पंच को फीचर्स के मामले में काफ़ी पीछे छोड़ देती है, फिर हम चाहे बात करें कंफर्ट के या फिर सेफ्टी के फीचर्स की। वारंटी ऑफर के बारे में बात करें तो फ्रॉन्क्स में आपको 2 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है, जबकि पंच में आपको बेहतर वारंटी ऑफर मिलता है 3 साल तक या फिर 1,00,000 किलोमीटर तक का। और अब आखिर में सबसे जरूरी बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों के एक्सशोरूम प्राइसेस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो कुल मिलाकर अभी तक फ्रॉन्क्स पंच से लगभग हर किसी मामले में आगे थी, फिर हम चाहे बात करें पावर की, टॉर्क की, माइलेज की, सेफ्टी फीचर्स की या फिर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की, लेकिन ये प्राइस डिफरेंस देखकर सारा का सारा एक्साइटमेंट हमारा खत्म हो जाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में पंच फ्रॉन्क्स से लगभग 1.5 से 2.5 लाख रुपये तक सस्ती है, AMT ऑटोमेटिक में लगभग 1.25 लाख रुपये तक सस्ती है, और टॉर्क कन्वर्टर से कंपेयर करें तो पंच फ्रॉन्क्स से लगभग 3.5 से 4.25 लाख रुपए तक सस्ती है। कुल मिलाकर अगर आप उतने प्रीमियम फीचर्स नहीं चाहते हैं, अपने कुछ पैसे बचाना चाहते हैं और सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी पर आती है, तो आपके लिए पंच एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है। लेकिन अगर आपको बजट की कोई खास समस्या नहीं है, एक प्रीमियम दिखने वाली गाड़ी चाहते हैं जिसमें फीचर्स भी आपको प्रीमियम मिल जाते हों, माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाता हो और क्रैश टेस्ट रेटिंग से आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता हो, तो उस कंडीशन में आपके लिए फ्रॉन्क्स एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि अगर आप फ्रॉन्क्स खरीदना चाह रहे हैं तो इसके टॉप 2 वेरियंट्स जिनमें 6 एयरबैग्स दिए गए हैं उसे ही प्रेफर करें। चलिए कमेंट कर आप जरूर बताइएगा कि इन दोनों गाड़ियों को आप आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देते हैं, आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी बेहतर है।
इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।